बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आईटी मदरसा.com। दोस्तों, मैं हूं सलमान रज़ा और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम यूट्यूब को पाकिस्तान में रहते हुए बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए ओपन कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपने गूगल ब्राउज़र में जाता हूं। यहां पे हम एक एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम में और गूगल ब्राउज़र में इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के बाद हम यूट्यूब और यूट्यूब के अलावा जो भी वेबसाइट ब्लॉक होगी उनको ओपन कर सकते हैं इजीली बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल किए। तो हम जब इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हम अपनी लोकेशन भी चेंज, कंट्री लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, आईपी वगैरह। तो मैं उसको भी बताऊंगा आपको। आपने गूगल में जस्ट यहाँ पे जिम मैट को टाइप करना है तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, साइट की लिस्ट आएगी। ये सेकंड नंबर पे है क्रोम वेब स्टोर में गूगल के। तो आपने इसको जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस जगह पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। जी, यह मेरे सामने आ गया है। हम यहाँ पे फ्री पे क्लिक करेंगे और ये कुछ ही देर में हमारे कंप्यूटर में जी इंस्टॉल हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा ना। तो ये यहाँ पे आ गया है। हम इसमें अपने मेल को इंटर करेंगे, ईमेल सिक्योरिटी के लिए। ये हमसे मेल पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे एक मेल दे देता हूँ। यहाँ पे हम गेट इट पे कर देंगे और जी ये हमारी यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है। इंस्टॉलेशन के बाद हम यहाँ पे टॉप पे माउस की मदद से जिम मैट पे क्लिक करेंगे एक्सटेंशन पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइप आ रहा है योर रियल लोकेशन पाकिस्तान। हमारी रियल लोकेशन पाकिस्तान है और यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा आ रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है योर पब्लिक लोकेशन यूनाइटेड स्टेट, क्लिक टू चेंज। हम यहाँ पे अपनी पब्लिक लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंट्री हैं, टॉप कंट्री, हम इनको चूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आएगा कि हम इस टाइम किस साइट पे हैं। तो यहाँ पे गूगल क्रोम का स्टोर का आइकन आ रहा है तो इस टाइम हम गूगल क्रोम में हैं तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है हम गूगल के स्टोर में हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पहले यूट्यूब ओपन नहीं हो, तो जैसे ही यहाँ पे मैं यूट्यूब को टाइप करूँगा तो हमारे पास यूट्यूब ओपन हो जाएगी। जी, ये हमारे पास यूट्यूब ओपन हो गई है। इसी तरह हम गूगल में कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान पे अलाउ नहीं है। उसके लिए हम पहले प्रॉक्सी में जाते थे और उसके बाद हम उसको ओपन करते थे वहाँ पे टाइप करके, या उसके लिए हम हॉटस्पॉट को यूज़ करते थे। लेकिन इसको इंस्टॉल करने के बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही कोई प्रॉक्सी साइट का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट आप यहाँ पे यूआरएल में साइट का नाम यूआरएल टाइप करेंगे और उस साइट पे चले जाएंगे। तो इस तरह हमने सीखा कि हम यूट्यूब को कैसे ओपन कर सकते हैं बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के। तो आपने यहाँ पे हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना है, itmadrasa.com.official हमारे फेसबुक पेज का नाम है। और यहाँ पे बहुत से ट्यूटोरियल हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।